हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून क्लास सिक्स। आज हम लोग का एडवांस मैथ का टाइम है। एडवांस मैथ पढ़ेंगे और चलते हैं। आप लोग को टाइम एंड वर्क में पढ़ा रहा था। आज का पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, टू कंप्लीट ए वर्क एंड टेक 50% मोर टाइम देन बी, इफ टूगेदर देर टेक 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क, देन हाउ मच टाइम विल बी टेक टू डू इट। किसी काम को करने में एक को 50% ज्यादा टाइम लगता है बी से, और दोनों मिलकर 18 दिन पे करते हैं, तो बताओ बी अकेला कितने दिन। ठीक है, देखिए हमने माना लेट मी बी कंप्लीट वर्क एलॉन इज इक्वल टू एक्सटेंड। एक कितने दिन में करेगा भैया? 50 मैक्स प्लस एक्स का 50% ज्यादा टाइम लेता है, यानी एक्स प्लस एक्स बटा टू, एलसीएम निकालेंगे, 2 प्लस एक्स 3x बटा 2 डेज। ठीक है ना, अब निकालेंगे कि बी वन डे वर्क, बी का वन डे वर्क कितना होगा? 1/x। ठीक है ना, कोई भी दिन हो उसके ऊपर 1 कर देते हैं, और ए वन डे वर्क क्या होगा? 1/3x/2। मगर ये 2 कहां जाएगा? मैथमेटिकल रूल्स के हिसाब से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में नीचे वाला है, पार्ट होता है। ये क्या होता है? एक दिन में इतना पार्ट करेगा। ठीक है ना, अब दोनों मिल गए, इसलिए वन डे वर्क, चलो बी का नाम पहले मैंने लिखा है तो बी पहले लिखते हैं, और ये बाद में। तो बी का कितना था? 1/x वन डे वर्क, और दोनों को जोड़ देंगे 2/3x। एलसीएम निकालेंगे, एक्स कट गया, 3x को गुणा करेंगे, 3x कट गया, x को गुणा करेंगे 2x, क्या आ जाएगा बच्चों? 5x बराबर x गुने 3x, x कट गया 5/3x। ये वन डे वर्क है, ये वन डे वर्क है। क्या है? वन डे वर्क, याद रखेंगे। तो वर्क कंप्लीट टू 3 ऊपर हो जाएगा, रूल्स है आप लोगों को पता है ना, और 5 नीचे, और यहां कहता है कि 18 डेज है, यानी दोनों बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x यही हो गया 5/18, x बराबर क्या होगा? 5/18, 3 डिवाइड में आएगा 6 कट गया, 5 कट गया, यानी कि बी को मैंने x माना था, बी करेगा 30 डेज में। अगर ए को कहता तो देखो ए कितना था? 3x/2, x का वैल्यू 30 भागा 2 काटेंगे 15, कितना आएगा? 45 डेज। मगर आपका आंसर यही है, क्योंकि सिर्फ बी का ही पूछा था, राइट आंसर 30 डेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों। कहा था ए डज 20% लेस वर्क देन बी, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 7/2 आवर, देन बी कैन डू इट। कहने का मतलब ए से 20% कम काम करता है बी, और बी किसी काम को 7/2 आवर्स में कर देता है, देन बी कैन डू इट। तो बी कितने दिनों में? फिर से पढ़ते हैं, ए 20% लेस देन करता है, और ए का काम दिया हुआ है और बी का काम निकालना है। एक चीज जान जाओ, जब हम काम की बात करते हैं, जैसे मान लो कि हमें एक दीवार बनाना है, मैं 4 घंटा में करता हूं और एक मेरा सहपाठी 5 घंटा में करता, हु इज बेस्ट? 4 घंटा वाला बेस्ट, 5 घंटा वाला खराब। यानी जब लेस का बात होगा तो वो टाइम ज्यादा होगा,
और कम वाला अच्छा होगा। क्लियर है कि जब एस 20% कम काम करता है बी से और एक 7 weeks 1/2 hours करता है यानी 7.5 घंटा, तो बी का टाइम 7.5 घंटा से कम होगा ना कि ज्यादा। ठीक है, देखिए ए वर्क कंप्लीट 7 weeks 2 hours यानी 15/2 hours, इसलिए बी इक्वल टू 15/2 माइनस 15/2 का 20% निकाल देंगे, सीधा निकल जाएगा। 5 बार में करेगा, 5 से काटा 3 बार में यानी 15/2 माइनस 3/2, 2 LCM आया, 15 माइनस 3 12/2 आया। बच्चों काटेंगे राइट आंसर 6 आवर। ओके नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कमल कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, विमल इज 50% मोर एफिशिएंट देन कमल, द नंबर ऑफ डेज विमल विल टेक टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। देखिए कहता है कि कमल 15 डेज में काम करता है और विमल 15% मोर कमल है। इसका मतलब है कि हम मानेंगे कि लेट बी विमल इज एक्स पेज, एक्स दिन में काम करता है विमल, एक्स वन इसलिए एक्स प्लस एक्स ऑफ 50% जोड़ेंगे जो 15 दिन के बराबर होगा, क्योंकि 50% मोर होगा तब 15 डेज आएगा, यानी एक्स प्लस एक्स ऑफ 50 × % का वैल्यू लिखेंगे, 2 बार में काटेंगे, एक्स प्लस एक्स बाई 2 = 15, एलसीएम निकालेंगे 2x + x = 15, 3x / 2 = 15 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 15 तो x बराबर क्या आएगा, 3 × में डिवाइड में आएगा, 5 टाइम में कट जाएगा, x का वैल्यू आएगा 10, यानी राइट आंसर 10 डेज में काम करेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 3 men or 5 women कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, हाउ लॉन्ग विल 6 men and 5 women टेक ए फिनिश द वर्क। इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा, आप सभी ध्यान दें। सबसे पहले आप ध्यान दें 3 men or 5 women और यहां लिखा है 6 men and 5 women, बहुत अंतर है। ओ आर ऑल का मतलब इतनी होता है या, और एंड का मतलब होता है और, कहने का मतलब कि 3 आदमी से काम कराओ या 5 महिला से 12 दिन टाइम लगेगा, लेकिन 6 men और 5 महिला यानी दोनों मिलकर काम कर रहा है तो कितना दिन का मिक्स हो गया। ठीक देखिए ये 3 men = 5 women, 3 men जितना काम करता है उतनी 5 महिला काम करती है, तो 1 man बराबर कितनी महिला, 5 by 3। हमको काम कराना है 6 men + 5 women, हम मैन को वुमेन बनाएंगे, 1 man = 6, 1 man = 5/3 women, तो 6 men = कितनी महिला होगी, 6 × 5/3 करेंगे 3 women, यानी हमने इसको महिला बना दिया 10 women, तो 10 women और 5 women कितनी वोमैन हो गई, 50 women हो गई। अब लिखेंगे वोमैन एंड डेज,
कहता है कि पांच महिला किसी काम को बारह दिन में करती है तो पांच महिला बराबर देश के नीचे देश, तो 15 महिला कितने दिन में करेगी? लेट बी एक्स डे, सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, 15 मल्टीप्लाई एक्स, 5 मल्टीप्लाई 12, तो एक्स इज इक्वल टू 5 गुणे 12 डिवाइडेड बाई 15, काटेंगे 3 टाइम में 4 टाइम में, एक्स का वैल्यू कितना आया 4, यानी 6 आदमी और 5 महिला कितने दिन में काम करेंगे? 4 डेज में करेंगे, यही आंसर। ओके नेक्स्ट नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन, ए एंड बी टूगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी कैन डू इट इन 20 डेज, आर सी एंड ए कैन डू इट इन 15 डेज, ए बी एंड सी टूगेदर कैन कंप्लीट इट। कहने का मतलब किसी काम को ए बी दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, अगर बी सी के साथ मिलता है तो 20 दिन, और यदि सी ए के साथ मिलता है तो 15 दिन, लेकिन तीनों को साथ में कराना हो ए बी सी तो कितना दिन लगेगा? देखिए ए प्लस बी मिलके काम करते हैं 12 डेज में, तो ए और बी का वन डे वर्क क्या होगा मालूम है? 1/12। बी और सी कितने दिन में काम करते हैं? दिया हुआ है क्वेश्चन में 20 डेज, तो बी और सी का वन डे का काम क्या होगा? 1/20। इसके बाद कहता है सी प्लस ए वर्क करते हैं 15 डेज में, तो सी और ए का वन डे का वर्क क्या होगा बच्चों? 1/50। हमें निकालना है ए बी सी, इसलिए फार्मूला याद रखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी पूरा काम नहीं निकाल रहे हैं, वन डे वर्क निकाल रहे हैं, वन डे वर्क इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, वन डे वर्क यानी 1/2 ब्रैकेट 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/15, एलसीएम निकालेंगे 12, 20 और 15 का, मुझे लगता है कि 60 आएगा, 12 5 60, 20 3 60, 4 बार में जाएगा 5 4 9 12 बटा 60 आएगा, इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं 1/5, इसका मतलब 1/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के नीचे निकालेंगे 1/10, तो क्या है 1 डे वर्क, तो पूरा काम करने के लिए क्या करते हैं? नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी जो पूछ रहा था कंप्लीट वर्क इज इक्वल टू 10 डेज। ओके अब कल हम लोग बुक वाला पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट डे एडवांस पढ़ेंगे, और इसका फेयर अलग कॉपी पे होना चाहिए। ओके।